अष्टाइक थीस, ठीक है, अष्टाइक थीज अभी बता रहा हूँ इसको। फिर यहाँ पे देखिए ये सारे जो है ये पाइसेज एक क्लास है, यहाँ भी क्लास ही होगा। यहाँ पे जो क्लास हैं ये चार, देखो कितना दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है, एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेल, मैमेलिया, ठीक है। चलिए देखिए इसमें जो है ये जो फाइलम कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा का मतलब होता है कि इसमें जो अभी फीचर बताए कि नॉटोकॉर्ड तो होगा ही होगा, डॉर्सल, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यही आपसे पूछा जाता है, डॉर्सल, हालो, न्यूरल ट्यूब, ठीक है, फेरेंजियल क्लील सिल्ट वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखिए ये जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा वो होते हैं जिनमें नॉटोकॉर्ड इनकी टेल में होता है। यहाँ पे जो नॉटोकॉर्ड है वो नॉटोकॉर्ड लाइफ में सिर्फ इनकी टेल में होता है, वो भी टेल में किसकी, लार्वा के। एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए लार्वा क्या होता है, लार्वा एक्चुअल में एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। जब भी आपको लार्वा मेंशन किया जाए ना तो लार्वा एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। इस चीज को थोड़ा आपको समझा दूं, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी कई जगहों पे। देखिए जो लार्वा होता है इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए, यहाँ बताता हूँ। जैसे देखिए जो अंडे होते हैं ना, एग्स होते हैं, ठीक है, किसी मैमल में लार्वा नहीं होता है, ठीक है। जैसे दो तरीके के एनिमल होते हैं ना, ओवी पैरस एंड बीवी पैरस, ठीक है, तो हमेशा लार्वा की कंडीशन जो है ओवी पैरस में होती है, जो अंडे देते हैं। तो एक अंडा जो होता है, एक एग जो होता है, उस एग में दो चीजें होती हैं, एक तो इसमें होता है योक, ठीक है, योक, जैसे मुर्गी के अंडे में आपने योक देखा है ना, जो पीला मटेरियल होता है, ठीक है, एक तो योक होता है और दूसरा इसमें होती है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, ठीक है, अगर एम्ब्रियो ना कह के ये बोल दीजिए जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट है या डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब होता ये है कि इस योक में क्या होता है, न्यूट्रिशन होते हैं। इस योक को इसलिए रखा गया था कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिले, जब ये एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो इसको न्यूट्रिशन मिलता है। अब यहाँ होता ये है कि कुछ अंडे ऐसे होते हैं एनिमल किंगडम में जिसमें योक की अमाउंट अलग अलग होती है, जैसे एक हम बोलते हैं माइक्रोलेसाइथल, एक हम बोलते हैं मीजोलेसाइथल और एक हम बोलते हैं मैक्रोलेसाइथल। जैसे मुर्गी का अंडा मैक्रोलेसाइथल है, उसमें लेसाइथल इसकी, लेसाइथिन इसकी लिपिड होती है, ये एक फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है, एक फॉस्फोलिपिड होती है, उसी के लिए इसको इसमें टर्म जोड़ा जाता है लेसाइथल। तो एक का क्लासिफिकेशन है माइक्रो, मैक्रो और मीजो और मैक्रो। तो माइक्रो में बहुत कम योक की अमाउंट होती है, मीजो में मॉडरेट होती है और मैक्रो में बहुत सफिशियंट होती है। तो मैक्रो में ये समझिए ना कि जब यहाँ अंडे को दिया गया, ठीक है, तो एनिमल ने ये एश्योर कर दिया है कि एम्ब्रियो के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ये एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कन्वर्ट जब पूरा करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन्फेंट में,
एक छोटे से अनबॉर्न बेबी में, और फिर वो अंडे को तोड़ के बाहर आएगा। तो पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग इसको जो फूड मिलता है वो इसके योक से मिलता है, ये योक से न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो जो भी मैक्रोलेसाइथल अंडे होते हैं उसमें कभी भी लार्वा नहीं होता, इसीलिए आपने किसी बर्ड का लार्वा नहीं देखा होगा। आप अंडे को तोड़ के बता सकते हैं कि इसका लार्वा होगा कि नहीं होगा, तो इस कंडीशन में तो लार्वा होता ही नहीं है। और जो अंडे न दे के बच्चे देते हैं, यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, बीबी पैरस, वहाँ भी नहीं होता है, तो फिर लार्वा कहाँ होता है? देखिए, लार्वा होता है मीजो और माइक्रो में। माइक्रोलेसाइथल में बहुत कम जो है, न के बराबर यहाँ पे ये जो यॉक है इसकी अमाउंट जैसे बहुत कम कर दीजिए, इसकी आधी हो, तो अंडा थोड़ी देर तक, तो इसका जो है थोड़ी देर तक इसकी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसके बाद इसका फूड ख़त्म हो जाता है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो अंडे के अंदर ही इसका दम घुट जाए, भूख से मर जाए, या फिर ये बाहर निकले और बाहर जो है अपना खाना खुद ढूंढे। उसी को आप कैटरपिलर जानते हैं, जैसे वो बटरफ्लाई का लार्वा होता है, तो वो बाहर जो है अंडे, बाहर अंडे से निकल के जो अपना फूड खुद खाता है, एनवायरनमेंट से लेता है, यॉक पे नहीं डिपेंडेंट रहता, क्योंकि यॉक का फूड ख़त्म हो गया, तो बाहर की पत्तियां वत्तियाँ खाता है और अपने बॉडी को बड़ा करता है। तो वहाँ पे लार्वा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अंडे से बाहर पूरा करता है उसको हम बोलते हैं मेटामार्फोसिस, मेटामार्फोसिस, और मेटामार्फोसिस के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में, ठीक है। तो जिन एनिमल में यॉक की अमाउंट कम होती है उसमें थोड़ा डेवलपमेंट अंडे के अंदर और थोड़ा डेवलपमेंट अंडे से बाहर होता है, यानी ये यॉक का अमाउंट ही है जो डिसाइड करता है कि कोई लार्वल स्टेज होगी या नहीं, और जब होती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रूल आप पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बोला ना यूरोकॉर्डेटा, इसकी टेल में होता है, ये एक ऐसा फाइलम है ना जो डीजेनरेट, जैसे इकाइनोडर्मेटा में आपको बताया था ना, तो यहाँ भी डीजेनरेट है, मतलब इसका एडल्ट में नहीं होता। इसका एडल्ट तो ना बिल्कुल सैक लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एकदम ऐसे पत्थर जैसे इस तरीके से दिखते हैं, यहाँ एक दो इंचे बॉडी में ऐसे पोर होते हैं, ठीक है, जो जनरली गिल्स होते हैं इस तरीके से, और ये इसका एलिमेंट्री कैनाल मान लीजिए, ठीक है, माउथ वगैरह, और बाकी ये सैक लाइक पड़े रहते हैं। जो इसका लार्वा है उस इसमें सिमेट्री मेट्री भी सब गायब हो जाती है, जितना एडवांस फीचर है ना सब खत्म हो जाता है, लेकिन इसके लार्वा में है। तो मैंने क्या बताया था, अगर लार्वा में ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर है उसके एडल्ट में कम है तो हम उसे बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, और ये जो कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर यहाँ पे डाउन हो गए उसको बोलते हैं डिजेनरेट फीचर। तो ऐसा कंडीशन यहाँ होता है, इनको बोला जाता है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। यहाँ देखिए आपकी बुक में जो इनसे रिलेटेड चीज़ें दी गई है वो मैं जल्दी से बता दूँ। ये देखिए एक आपको डायग्राम दिया गया एसिडिया, कैसे भी ये बना लीजिए कोई इसमें फर्क नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको जैसे मेंशन किया गया है, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, जो आपसे पूछा जाता है कि इनका हैबिटेट जो है एक्सक्लूसिवली मरीन, जब ये बात होती तो इसका मतलब कोई फ्रेश वाटर स्पीसीज नहीं है, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा नॉटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल वाइल्ड द सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा को देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा आता है ये सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलस का मतलब होता है हेड, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप ये समझ लीजिए कि यूरो का मतलब होता है टेल, कि इसके टेल में है तो इसके हेड में है। ट्यूनिक का मतलब होता है लेदर लाइक कवरिंग, इसके जो एडल्ट होते हैं ना इसकी कवरिंग लेदर लाइक होता है, इसलिए ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, ये यूरोकॉर्डेटा। तो इसके टेल में होता है तो इसके हेड में होता है। मैं इसको थोड़ा हटाऊँ, लिखने की जगह मिले मुझे। जैसे देखिए ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है ना, तो सिफेलोकॉर्डेटा में नाटोकार्ड कैसे है, सिफेलोकॉर्डेटा की बॉडी इस तरीके से होती है, लेंस जैसी दिखती है, इसीलिए इनको बोलते हैं लेंसलेट, ठीक है। ये देखिए लेंस के क्रॉस सेक्शन जैसे है ना, तो इसको बोलते हैं लेंसलेट। इनके थ्रू आउट बॉडी,
इस तरीके से नाटोकार्ड जो है इनकी थ्रू आउट बॉडी ऐसे प्रेजेंट होता है, ये नाटोकार्ड है। तो इनमें जो नाटोकार्ड की पोजीशन है वो है अप टू हेड, मतलब हेड से लेके टेल तक नाटोकार्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको बोला जाता है सिफेलोकार्डेटा। बाकी सारे फीचर उनके जैसे ही है। इसके एडल्ट में होता है थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है, पूरे साइन तक यहाँ पे नाटोकार्ड होता है, ठीक है। अब अगला जो ग्रुप है सिफेलोकार्डेटा भी हटाते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं ना वो उसके जैसी ही हैं, वो सब मिलती जुलती हैं, वो सब आपसे पूछी भी नहीं जाती। बाकी चीज़ें जो है इसमें आते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या है, वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि ये जो नाटोकार्ड होता है ये एम्ब्रियो में बनता है और बाद में वो वर्टिब्रा कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में भी जो नाटोकार्ड था ना, देखो हमारे बॉडी में इस तरीके से नर्वस सिस्टम होता है, ये चीज़ आप पहले जान लो। ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। ये है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये अंदर से हालो होता है, जो हमारा ब्रेन होता है ये अंदर से हालो होता है और इस हालो ब्रेन के अंदर इस तरीके से फ्लूड भरा रहता है जिसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, CSF, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको चारों तरफ से ना नाटोकार्ड के जो पोर्शन है, जैसे यहाँ पे स्कल और यहाँ से यहाँ तक वर्टिब्रा कॉलम, ये हड्डियाँ इसे कवर किए रहती हैं, इसी वजह से आपको इस टाइप से बैकबोन दिखती है ना, देखिए इसके अंदर बंद रहता है। तो हमारे यहाँ जो नाटोकॉर्ड था वो कन्वर्ट हो गया है वर्टिब्रा में, इसलिए इसे बोला जाता है वर्टिब्रेट। ये वर्टिब्रा कॉलम अब दो चीज का बनना हो सकता है, या तो ये कार्टिलेज का बना हो या फिर ये बोन्स का बना हो। बोन्स ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, कार्टिलेज उसके कंपेरिजन में सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है। तो इस बिहाब पे ये अब क्रैनियम बनती है, क्रैनियम का मतलब होता है जो ब्रेन के चारों तरफ जो स्कल है, क्रैनियम स्कल के लिए बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है, स्कल। तो ये क्रैनियम होती है जिसके अंदर इसको प्रिजर्व रखा जाता है और ये आपका इस तरीके से नाटोकार्ड होता है। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है और यहाँ से आपके बहुत सारे नर्व फाइबर निकलते हैं, इस तरीके से चारों तरफ बॉडी में नर्व फाइबर निकलते हैं जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, देखिए इस तरीके से। यहाँ कुछ ब्रेन से भी डायरेक्ट निकलते हैं, ठीक है, इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो जो ये वर्टिब्रेटा हो गए, इसका मतलब एक चीज़, एक बुक में एक आपके फ्रेज मेंशन किया गया, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको बता दूं, एक फ्रेज आपको मेंशन किया गया है, देखिए मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट पोसेसेज नाटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड में यहाँ भी था और वो बाद में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नाटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रा कॉलम इन द एडल्ट, दस ऑल वर्टिब्रेट, ये चीज, दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेड बट ऑल कॉर्डेड आर नॉट वर्टिब्रेट। जैसे ये बोला गया ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेड, ये देखिए ये जो वर्टिब्रेट है तो इन सब को हम कॉर्डेटा के अंदर रखेंगे। वर्टिब्रेट में कौन है, ये एक नेथा नेथोस्टोमेटा, ये फीसेज, ये पीवियर रिप्टाइल मैमल। लेकिन यहाँ जो मैंने अभी सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा रखे थे तो सारे कॉर्डेटा
वर्टिब्रेटा नहीं है, लेकिन सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये थोड़ा खेलने के लिए आपसे पजल लाइक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चले आते हैं, आपको क्लासिफिकेशन कम से कम बता दूँ। देखो, अब वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस पे है कि इसमें जॉ है कि नहीं। जैसे ये एक नेथा, नेथा का मतलब है जिनमें जॉ नहीं है, ये जबड़े नहीं है। इन जबड़ों का क्या मतलब है, जैसे आपके बॉडी में इन जबड़ों का सब इम्पोर्टेंस क्या है, इससे चीज़ों को आप चबा पाते हैं, खा पाते हैं। अगर ये जबड़े अभी न खुले तो आप बहुत मुश्किल से लिक्विड फूड, कोई लिक्विड फूड जैसे स्ट्रा पाइप को डाल के आप सक कर पाएंगे, लेकिन कोई सॉलिड चीज़ को चबा नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है जबड़े होना, तभी आप सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड को खा पाएं। तो इसीलिए जब इनमें देखिए, इसमें एग नैथा, ए मतलब नहीं है, नैथा मतलब जॉ, तो फिर इनका माउथ होता है, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। मतलब ऐसे एनिमल है जिनमें सर्कुलर माउथ है, मतलब माउथ एक ऐसे स्लिट की तरह है और उसमें जबड़े नहीं है। तो इसका मतलब ये लिक्विड फूड को सक करेंगे जो दूसरे एनिमल के बॉडी से सक करेंगे। ठीक है, फिर देखिए नेथोस्टोमेटा का मतलब जिनमें जॉ का डेवलपमेंट हो गया। इसमें दो सुपर क्लास है। यहाँ जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड, वो इस चीज़ पे बेस है कि यहाँ लोकोमोटरी आर्गन क्या है। यहाँ पे जो फिशेज हैं इनका लोकोमोटरी आर्गन होता है फिन्स, और यहाँ पे होता है लिम्स। तो यहाँ पे पेयर फिन्स होते हैं, जैसे इस तरीके से देखिए, ये एक मछली है, ठीक है, ये एक मछली है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पेयर फिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेयर फिन है, और जो एक वर्टिब्रेट है, जैसे ये देखिए एक आदमी ही है, तो यहाँ पे क्या है, पेयर लिम्ब है, ये दो हाथ हैं दो पैर हैं। ठीक है, तो जिनमें पेयर लिम्ब है उनको यहाँ रखा जाता है एम्फीबियर, रेप्टाइल, एप्स और मैमल में, और जिसमें लोकोमोटरी आर्गनल पेयर फिन है उनको पाइसेज में रखा जाता है। पाइसेज में दो हैं, कॉन्ट्राइक्थीज, ये कॉन्ड्रस का मतलब होता है कार्टिलेज, इक्थियास का मतलब होता है फिशेज, मछलियाँ जिनमें कार्टिलेज एंडोस्केलेटन है। ऑस्टियस का मतलब होता है बोन, ये ऑस्टियस का मतलब होता है बोन, इक्थीज का मतलब होता है फिश, यानी फिशेज जिनमें जो है बोन्स जो है एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन कर रही हैं। और यहाँ पे सब में दो पेयर, जैसे एम्फीबियन में फ्रॉग है उसके दो पैर होते हैं, रेप्टाइल है लिजर्ड है दो पैर होते हैं, दो पेयर पैर होते हैं, एप्स में दो पेयर होते हैं, जैसे मुर्गे में यहाँ दो पेयर, मतलब दो तो उनके फिन्स बन गए हैं और दो पैर बचे हैं चार, और मैमल्स में चार होते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है फाइलम कॉर्डेटा का। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे साइक्लोस्टोमेटा से। ठीक है, एक नेथा में साइक्लोस्टोमेटा से पढ़ना शुरू करेंगे। आपको ये ध्यान देखना है कि ये जो सब फाइलम पे रिलेटेड तीन चार बातें ही आपके बुक में मेंशन है, उसी से क्वेश्चन आएगा। अगर इस क्लासिफिकेशन को समझ रहे हैं, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और हेमीकार्डेटा में कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, तो आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ज़्यादातर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको सही करना ही आपका मोटो होना चाहिए, और इससे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाना है। इसमें सिर्फ इनके एग्जाम्पल को याद रख लीजिए, इनके बेसिक फीचर को याद रख लीजिए, और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।